एक सीस सेकंड रुक गया चार्जिंग सीस सेकंड लगता है कभी नहीं आप शुरू कर सकते हैं ये ना शरसमाम ना या अधिगम्या महेश्वरात तस्मै व्याकरणम प्रोक्तम तस्मे पानी ना ये नमः वाक्यकारम भररुचिम पाश्यकारम पतंजलिम पानीनिम सूत्रकारंचा प्रणतोस्मी मुनित्रयम अभी हम देखते हैं कि संस्कृत हम अभी जो वर्तमान काल के प्रयोग और भूतकाल के प्रयोग सीख रहे थे बहुत लोगों ने अच्छी तरह से बना कर दिया है कहीं कहीं त्रुटि है लेकिन वो त्रुटि हम सुधारते जाएंगे उसको देखते जाएंगे और आप मेल करिए जो ईमेल आईडी दिया है उस पर आप लिखे हुए तो आपको हरेक रविवार को पूरा का पूरा देखकर कहां-कहां किसकी त्रुटी है और किस तरह से वाक्य बनाए हैं सब लोगों ने वो हम देते जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी एक व्यक्ति को दी है तो पूरे का पूरा ईमेल चेक करके सभी आप हो सके तो पत्र में पेन से लिख कर स्कैन करके आप भेजे या तो फिर आप टाइप करके भी भेज सकते हैं हो सकते वहां पर देवनागरी लिपि का हिंदी का उपयोग करें तो जो जांच करता है उसको बहुत ही आसानी रहती है तो समझा जा सकता है कि आपने क्या लिखा है Uh, मैं मेल आईडी फिर से राजेश्वर राव जी को कहूंगा कि वो शेयर कर दे आपको वो बता देंगे या वो अभी ही टाइप करके रख देंगे अह अभी ही चैट में आ जाएगा तो भी राजेश्वर राव जी रख देंगे आपके लिए ईमेल आईडी तो वो ईमेल आईडी पर आप भेज दे तो सारा का सारा हम प्रैक्टिस करते रहेंगे पूरे के पूरे वाक्यों की ये एक ये है शुरुआत है उसके बाद हम धीरे धीरे संस्कृत बोलने की बोलने का अभ्यास करें यथा अहम अद्य आरंभ कौमी संस्कृत शिषाया संस्कृत पठन से संस्कृत पाठ से प्राग मतलब होता है पीछे प्र वयम संस्कृत पढ़ित

विश्व संस्कृत दिवस अस्ति अद्य मतलब आज विश्व संस्कृत दिवस अस्ति विश्व संस्कृत दिवस साच में बोल सकते हैं या विश्व संस्कृत दिनम अस्ति संस्कृत महात्म्यम अस्ति संस्कृत का महत्व है बहुत महत्व है वयम संस्कृतम गृहे शिक्षयामः पठा वस्कृत गृह पठाम हम लोग संस्कृत घर पर सीखते हैं हैं सीख रहे हैं है। अद्य रक्षाबंधन अस्ति रक्षाबंधन उत्सव अस्ति ऐसा भी आप कह सकते हैं अदय मतलब आज रक्षाबंधन उत्सव मतलब कल जो बीत गई है कल उसको यह कहते हैं जिसको हम यस्टरडे कहते हैं यहाँ वो भी वाई से शुरू होता है ये भी यह में अंत में य आता है और ह आता है तो यह उसको कहते हैं यह कक्षा आसी मतलब थी आयुर्वेद मतलब की आयुर्वेद कक्षा कक्षा अर्थात हम जो पाठ लेते उसको कक्षा कहते हैं यह आयुर्वेद कक्षा आसी आयुर्वेद कक्षायाम मतलब आयुर्वेद की कक्षा में उस आयुर्वेद की कक्षा में तस्याम आयुर्वेद कक्षायाचता जना आसन पंचशता पांच सौ से अधिक लोग थे पंचशताधिक जना आसन में एक होता है तो कहूँगा आसी कक्षा आसीत जना आसन आप समझ गए आसानी से यह सौ आयुर्वेद से कक्षा आस उस कक्षा में तस्याम इसलिए विशेषण है तो तस्मिन नहीं आएगा कक्षाया स्त्रीलिंग कक्षा स्त्रीलिंग शब्द है तो तस्याम तस्याधिकना पंच आसन पंचशताधिक जना आसन पांच सौ से अधिक लोग थे आसन मैं एक संपल बताता हूँ आसित अर्थात था आसन अर्थात बहुवचन में थे तत्र बालिका आसी वहाँ बालिका थी तत्र त्रालक आसी वहाँ बालक था जब मैं कहूँगा वहाँ बहुत लोग थे तत्र जनाहा आसन तत्र जनाहा आसन तत्र लोकाहा आसन तत्र पश आसन बहुत पशु थे तो पशव आसन, आसन बहुत गाये थी गौशाला में गौशाला गाव आसन गाव अर्थात बहुत गाय थी आप समझ गए बहुत आसान है एकदम आसी आसन अस्ति संति मैं कहूंगा कि सह बाक अस्ति वह है और मैं बहुत लोगों को कहू मैं बहुत बालक है तो सन्ति बालकः अस्ति एक वचन सन्ति बहुवचन समझ गए अस्ति सन्ति भूतकाल में देखेंगे आसी एक वचन आसन आसन। ये मैंने तृतीय पुरुष का बताया हाँ उत्सव अस्ति नहीं बताते भगिन्य अर्थात आप क्या कहना चाहते हैं कि रक्षाबंधनम रक्षाबंधन का उत्सव बहनों का उत्सव है आप समझ गए आसानी से तो इस तरह से आप बोलेंगे कि रक्षाबंधन महिला न उत्सव मुख्यतः महिला नाम उत्सव अब इस तरह से आप अनेक अनेक वाक्य बनाते जाइए तो धीरे 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 आपको समझ में आता जाएगा थी था अब मैं यदि बोलूंगा कि मैं था तो अहम विद्यालय आसम मैं विद्यालय पे था अहम विद्यालय आसम समझ गए आप आसम समझिए आसम में मतलब अहम होगा तो आसम में कहूंगा सह आसी सा होगा तो भी आसी थी थे वो आसीत से रह, रहे न न राज्यम न रामायण में वाक्य है न राज्यम न राजसीत न दंडियो न चंडीक दंडिक स्वधर्मेण ही प्रजास्तावत रक्ष स्म परस्परम बहुत अच्छा ये श्लोक है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा उसमें क्या बताया न राज्यम राज्य नहीं था न राजा न राज्यम न राजा आसित आसित मतलब था कोई राज्य नहीं था कोई राजा नहीं था कोई दंडीय नहीं था कोई दंड देने वाला नहीं था तो स्वधर्म से ही प्रजा अपने अपने धर्मों का पालन अपने अपने कार्यों का निर्वहन करती थी स्वधर्मे ने वही प्रजास्तावत स्म अब मैं एक यहाँ पर अच्छी बात अब मतलब आपको काम आए कार्य में आए वाक्य बनाते वक्त काम आए ऐसी एक बात बताता बिल्कुल सरल है संस्कृत में अब मैंने पहले बता दिया था स्म स्म का अर्थ क्या है रक्षन स्म परस्परम तो रक्षण करते थे जब भी आप कोई भी क्रिया को भूतकाल में चालू भूतकाल में बताते हैं पास कंटिन्यूस टेंस में बताते हैं तो संस्कृत में बहुत आसान है जैसे हम बताते हैं कि किसी भी वाक्य को आप इंग्लिश में ले लीजिए तो इस तरह से आप बताते हैं बराबर. तो वो जो होता है पास कंटिन्यूस जिसको हम चालू भूतकाल कहते हैं भूतकाल में कोई क्रिया चालू रहे थी इस तरह से बताना जैसे मैं पढ़ रहा था समझ गए ना मैं पढ़ रहा था मतलब मेरी क्रिया चालू थी लेकिन वो भूतकाल में थी जैसे में हम बताते हैं गत वर्ष में श्रावण महीने में ये मैं पूजा कर रहा मतलब श्रावण महीने में मेरे पूजा का कार्य चालू था एक बार किया ऐसा नहीं बता रहे वो क्रिया चालू थी आप समझ गए होंगे जो इंग्लिश में हम आ, आ, पास्ट कंटिन्यूस टेंस बताते हैं उसी को संस्कृत में बहुत आसानी से बताया जाता बताया जाता है जैसे उसका वर्तमान जैसे अहम पठामी क्या अर्थ होता है उसका मैं पढ़ता हूं मैं पढ़ता हूँ सिंपल है उसमें स्म लगा दीजिए अहम पठामी स्म मैं पढ़ता था अहम खादामी अहम खादामी स्म स्म अर्थात भूतकाल का होता है और वो क्रिया को वर्तमान काल की क्रिया को ही वो भूतकाल में बताता है स्म रक्षंती स्म रक्षा करते थे रक्षंती मतलब रक्षा करते हैं बहुवचन में और रक्षंती स्म अर्थात रक्षा करते थे रक्षण स्म परस्पर परस्पर की रक्षा करते थे स्म अहम गच्छा स्म मैं जाता था अहम मैं पिछले सावन मास में पूजा करता था अहम प्राग श्रावण मासे पूजा करो पूजा कौमी स्म अहम पूजा कॉमी अहम पूजा कौमी स्म समझ गया मैं पूजा करता हूँ पूजा करोमी पूजा करोमी स्म मतलब पूजा करता था मैं वहां जाता था अहम मैं रोज वहां जाता था अहम प्रतिदिन तरह गच्छा जाता था समझ ना मैं हैबिट कहता हूँ लेकिन वो भूतकाल कहता हूँ मैं जाता हूँ कहूंगा तो हूँ उसकी जगह पर आ जाएगा केवल गच्छा अहम प्रतिदिनम गच्छामी लेकिन मैं कहता हूँ मैं रोज वहां जाता था अहम प्रतिदिनम तत्र गच्छामि स्म समझ गए बिल्कुल आसान है आप अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल आसान है स्म का प्रयोग स्म का प्रयोग जब जब आप देखेंगे तब तब उसका अर्थ पूरा का पूरा वाक्य भूतकाल का एक स्म उसको भूतकालीन कर देता है पूरे वाक्य तो आपको और कुछ नहीं करना है आप जब बताए कि मैं वहां जाता था मैं खाता था मैं पढ़ता था मैं सोता था मैं रोता था तो उसको कुछ नहीं है केवल वर्तमान काल का वाक्य बना दीजिए और स्म लगा दीजिए वो वहां जा रहा जाता है तो सह गच्छती गति स्म मतलब वो जाता था सह पठती वो पढ़ता है सह पठती स्म अर्थात वो पढ़ता था समझ गया बिल्कुल स्म का प्रयोग है बिल्कुल आसान है तो हमने अभी तक दो काल देखे एक तो वर्तमान काल के प्रयोग गच्छा गच्छा वह गच्छा मछती गति आप समझ गए होंगे ये पूरा का पूरा आपने प्रैक्टिस की है अभ्यास किया है तो आप हमको भेज दीजिए तो हम देख आपको बताए दो तीन लोगों के आए है तो वो हमने देख लिए है अब ज्यादा से ज्यादा लोग मेल करें तो ओ मेल आईडी जो आपको आईडी दिया है ओ मेल पर आपको मेल करेंगे आप जितना भी लिख सकते हैं सिंपल सादा वर्तमान काल का अर्थात पहला जो हमने बताया है गच्छा गच्छता गच्छन्ति वाला प्रयोग उसके ज्यादा से ज्यादा वाक्य आप बनाए दूसरा मैंने पठितवान गतवान पठितवती गतवती श्रीमान श्रीमती के जैसे बताया था धनवान धनवती उस तरह से हमने वाक्य में क्रिया पद में प्रयोग करके कृतवान कृतवती पठितवान पठितवती मैंने किया अब ये सिंपल पास्ट का हमने बताया सिंपल पास्ट में कैसे बताते हैं भूतकाल में कैसे बताते हैं मैंने ये किया अब देखिए ये वाक्य का सेंस अलग है इसका अर्थ अलग है मैंने ये किया अहम कृतवान पुरुष है तो बताएगा अहम कृतवान स्त्री है तो अहम कृतवती अहम गतवती अहम गतवान अहम पठितवती अहम ऐसे स्त्री और पुरुष ये दो ही देखना है आपको स्त्री है तो गतवती पठितवती वती 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 आएगा और पुरुष है तो वान 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 आएगा ये हमने बहुत बार देख लिया स्त्रियों के और पुरुषों के संदर्भ तो हम मैंने एक और भी काल आज बता दिया केवल स्मक का प्रयोग से आपको पूरा का पूरा कंटीन्यूअस पास्ट जिसको कहते पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इंग्लिश में कहते वो पूरा है के पूरे अनुवाद आप एक स्मक को लगा सकते हैं बस इसके लिए संस्कृत सीखना बहुत ही आसान उसमें बहुत सारी झंझट है केवल एक दो शब्दों को याद रखना है और उसके वाक्य बनाना है बस दो वस्तु देखनी है कर्ता को और एक क्रियापद को तो इतना कठिन नहीं है फिर आप कोई भी ग्रंथ लेंगे, स्म का प्रयोग देखेंगे तो जितने ग्रंथों में आयुर्वेद के ग्रंथों में और धार्मिक ग्रंथों में जहां जहां पर भी स्म आया है वहां वो भूतकालीन क्रियाओं की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी रामायण का श्लोक बताया रक्षाती स्म परस्परम परस्पर रक्षा करते थे पठंती स्म गुरुकुले पठंती स्म गुरुकुल में पढ़ रहे थे बालका गुरुकुले क्रीडंती स्म तो बालक सभी बालक गुरुकुल में क्रीड़ा कर रहे थे जनाहा, तत्र पश्यन्ति स्म बहुत जन वहां पर देख रहे थे अहम तत्र वदामि स्म मैं वहां बोल रहा था वदामि स्म समझ गए आप तो इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा स्म का वाक्य प्रयोग करें राम संस्कृतम पठती स्म स्म का देखिए इस तरह से नहीं आपने सम लिखा सम नहीं है स्म मैं जैसा उच्चार करता हूं उस तरह से आप लिखिए स्म स्मृति में कैसे लिखते हम स आधा पूरा आपने जो लिखा वो सम है देखिए पूरा है और पूरा 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 है पुरा सा, पुरा मा नहीं लिखना है स्म अर्थात आधा स पूरा म दोनों ज्वाइन स्म एक ही शब्द स्म समझ गए आप हाँ स्म बराबर आपने लिखा स्म ठीक है तो स्म राम हाँ संस्कृत पढ़ते पढ़ता था कोई लड़का था राम नाम का वो पढ़ता था। अहम संस्कृत पठामी स्म आप देखिए अभी आप कहेंगे अहम संस्कृतम पठामी तो मैं संस्कृत पढ़ता हूँ और अहम संस्कृतम पठामी स्म आपने छोड़ दिया अभी और आप बात कर रहे थे कि मैं भी पढ़ता था संस्कृत तभी आप ये कहेंगे कि अहम संस्कृतम पठामी अभी पहले आप इंग्लिश पढ़ते होते हैं और अभी आपने छोड़ दिया होता है और कोई पढ़ रहा होता है तो उसको देखकर आप क्या कहते हैं भी पढ़ रहा था इंग्लिश तो अहम आंग्ल भाषा पठामी अहम आंग्ल भाषा पठामी स्म समझ गए ना आप तो ये भूतकालीन जो क्रियाएं है उसको दिखाने के लिए ये स्म का उपयोग होता है वर्तमान काल के वाक्य कर देने हैं हम पठामी गच्छामी वदामी सुनोमी संस्कृतम पठामी देखिए संस्कृत लिख क्या भैया ऊपर बिंदी करिए संस्कृत पठामी स्म संस्कृत क्या पढ़ रहा था संस्कृत तो संस्कृत कर्म हो जाएगा आप ध्यान रखे कर्म को पहचानिए पहचानिएम संस्कृतम पठामी पठामी में रस्व आएगा मतलब मी छोटी आएगी और त के ऊपर बिंदी आएगी संस्कृतम हाँ इस तरह से अहम संस्कृतम पठा स्म अहम वाक्यम वदा स्म मैं वाक्य बोलता था अहम चित्रं पश्या स्म मैं चित्र को देखता था अहम वार्तालापम करोमि स्म मैं वार्तालाप करता था राम संस्कृत पठामि स्म नहीं राम आएगा तो पठती आएगा भैया पठामी नहीं आएगा मैंने पहले बताया आप कर्ता को देखिए पहले कर्ता राम है तो पठती आएगा कर्ता अहम है तो अच्छा वयम् संस्कृतम पठामी पठामी स्म अब देखिए यहाँ पर आपने गलती की व्यम है तो क्या आएगा हम सब लोग संस्कृत पढ़ते थे वस्कृत पठा गए पठा पठम पठा मी पठाव पठा, पठा मराबर पठा स्म समझ गए हम लोग संस्कृत पढ़ रहे थे अः पठाम में बीच में ये नहीं होना चाहिए स्पेस नहीं होनी चाहिए एक साथ लिखा होना चाहिए पठा जैसे पठामी हम लिखते है उसी तरह से पठामह लिखना है आ इसमें पनामह लिखना है ठ लिखिए समझ गए ना हाँ पठा मह ये सही लिखा आपने वयम स्म बराबर अहम धन्योस्मी स्मी ठीक से लिखिए भैया स आधा है और म के साथ जोड़ा है मैं धन्य हूँ जैसे हम कुछ है तो बताते हैं अहम अस्मि और क्या है तो बीच में लगा देते जैसे अहम ब्रह्म अस्मि जोड़ दिया अहम ब्रह्मास बराबर अहम मनुष्य अस्मि जोड़ दिया अहम मनुष्यों शिष्य अहम अहम धन्य अस्मि अहम धन्योस्मि समझ गए धन्योस्मि ठीक है बहुत अच्छा है अहम धन्योस्मि समझ गए मैं हूँ हूँ के सेंस में ये है मैं धन्य हूँ अहम धन्योस्म समझ के शिष्योहम अस्मि अहम अस्मि इसका कोई अर्थ नहीं होता है अहम अस्मि मतलब क्या होता है इसका कोई अर्थ नहीं है तो अच्छे तरह से अर्थ वाले वाक्य बनाए शिष्य अहम शिष्य अस्मि अहम शिष्योस्मि ऐसा बता सकते हैं आप अहम गुरु रश्मि राम चित्रम पश्यति स्म चित्रम में म आधा कर दीजिए ऊपर बिंदी लगाइए म आधा की जगह पर ऊपर बिंदी राम चित्रम पश्यती स्म राम चित्र को देख रहा था मैं ऊपर बिंदी का कब आपको अनुस्वार लगाना है और कब म लगाना है मैंने पहले भी बताया था आज फिर से बता रहा हूँ पीपीटी में भी मैंने बता दिया है दोनों वाक्य का जैसे अनुस्वार के बाद अहम भक्त अस्मि बराबर है आपका वाक्य सही है ये अहम भक्त अस्मि मैं भक्त हूँ इस तरह की सेंस में भक्त अस्मि ऐसा बताया जाता है ठीक है तो आगे हम देखते हैं कि अनुस्वार के बाद यदि स्वर आता है तो हम अनुस्वार को ऊपर बिंदी नहीं करते हैं आधा म लिखते हैं उसके बाद तो जो वाक्य होगा वो शुरू करते हैं अनुस्वार की जगह पर आधा म लिखते हैं आधा म लिखना है पूरा म नहीं लिखना है यदि पीछे व्यंजन आता है अहम भक्त अस्मि इस तरह का कोई भी अनुस्वार वाला वाक्य लीजिए तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि भक्त को म क्यों नहीं लिखा क्योंकि अच्छा ये अच्छा प्रश्न है क्योंकि उसमें मैं हूं ये बता रहा है कोई कर्म नहीं है उसी जगह पे मैंने बताया होता कि अहम बराबर है मैं भक्त हूँ लेकिन उसमें मैंने ये नहीं बताया मैं क्या काम करता हूँ तो भक्त कर्म नहीं है यहाँ पर करता है समझा समझ गए मैं व्यावसायिक हूँ तो इसमें आप क्या कर रहे हो बताया नहीं आप व्यावसायिक है वो स्थिति बताइए स्थिति बताने में वो हमारा विशेषण हो जाता है जैसे मैं गुरु हूँ ऐसा जब मैं बताता हूँ तो मैं गुरु कोई क्रिया मैंने नहीं बता रहा हूँ मैं मेरी पहचान करा रहा हूँ मेरा विशेषण क्या है वो मैं बता रहा हूँ तब मैं प्रथमा विभक्ति में बोलूंगा अहम गुरु अस्मि उसको द्वितीय विभक्ति नहीं आएगी अहम शिक्षक अस्मि अहम कार्य कर अस्मी अहम, अहम व्यावसायिक समझ गए व्यवसाय इकम नहीं आएगा गुरुम नहीं आएगा नहीं तो मैं गुरु को व्यवसाय ऐसा जब बताऊ लेकिन मैं जब बहूंगा अहम शिष्यम पाठयामी मैं शिष्य को पढ़ाता हूँ तब शिष्यम आएगा शिष्य को तब शिष्य कर्म हो जाएगा क्योंकि शिष्य कोई और है जब मैं कहूंगा कि मैं शिष्य हूँ तब मैं बोलूंगा अहम शिष्य अस्मि जब मैं बताता हूँ मैं धन्य हूँ अहम धन्य अस्मि समझ गए अब कर्म को द्वितीय आएगी आपको डिफ्रेंशिएट करना है आपको विभाजन करना है कि कहाँ पर कर्म है, है स्म बराबर है राम है इसलिए पश्यती आएगा समझ गए होगा तो पश्यती आएगा रा चित्रम पश्यती स्म मम नाम सागर मम में म पूरा कर दीजिए भैया मम मम नाम सागर अस्ति मम नाम सागर अस्ति मम सरिता अस्ति ममलकंठ अस्ति उसमें प्रथमा विभक्ति ही आप कहेंगे सागर सरिता नीलकंठ समझ गए देवव्रत प्रिय समझ गए आप राजर मेहुल इस तरह से आप बताएंगे उसको विसर्ग के साथ बोलना है सावन करोति स्म हाँ इसका अर्थ में नहीं समझ पाया वस्त्र को प्रक्षालन किया जाता है धावन नहीं किया जाता है इसके लिए सा वस्त्र वस्त्र ऐसा दो तरह से बोल सकते वस्त्रम प्रक्षालयती स्म प्रक्षालयती लक्षा प्रक्षालयती धोने के अर्थ में होता है समझ गए आप प्रक्षालायी समझ गए धोती है वो वस्त्र धोती थी सा वस्त्रम प्रक्षा स्म मैं वस्त्र धोता हूँ अहम वस्त्र प्रक्षालयामी वस्त्र को धोना अहम वस्त्र प्रक्षालयामी समझ गए अस्मि धर्मवान में न आधा आएगा वान में न आधा आएगा भगवान आत्मवान धर्मवान पठितवान गतवान उक्तवान ये मैंने पूरा बताया न आधा है उसमें समझ गए आप पीपीटी भी -पी देख लीजिएगा मैं अभी ही उसके अभी शेयर कर दूंगा तो इसमें आप देख सकते हैं ना आता है भगवान में भगवान नहीं भगवान नहीं है भगवान समझ गए आप तो इस तरह से आप अहम धर्मवान अस्मि समझ गए पूरा जॉइन हो जाएगा धर्मवान अस्मि ऐसा भी बताया जाएगा लेकिन अभी तो ये वाक्य ठीक है अभी आप देखिए ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाकर प्रैक्टिस करिए अभ्यास करिए तो बहुत आसान रहेगा क्रीडयत क्रीडती आप समझ गए क्रीडयत नहीं होगा क्रीडत समझ गए आप क्रीडती क्रीडत क्रीडंती तो राम लक्ष्मण क्रीडत स्म क्रीडत खेल रहे थे समझ गए क्रीड यति नहीं होता है जैसे प्रक्षालयति होता है वो दशमा गण होता है उसमें ही ऐसा होता है वो मैं समझाऊंगा आपको एक एक गण की धातु दो हजार धातु ये है वो दो हजार धातु को अलग अलग विभाग में बांटा है तो वो आप क्रियापद देखकर उसको समझ जाएंगे कि ये क्रीडति आएगा यहाँ पर ये चोर आएगा बराबर है फिर दूसरे दूसरे वाक्य इस तरह से आएंगे वो मैं आपको बताता जाऊँगा बराबर है राम लक्ष्मणों वो साथ में लिखिए भैया राम के पास विभक्ति नहीं है देखिए कोई भी पद को जब आपको विभक्ति बिना का प्रयोग करना है तो साथ में लिख देना है उसको हम समास कहते हैं बराबर है तो साथ में लिखना है चार भाई के लिए संस्कृत में कैसे कहेंगे चतवार भ्रातरहा चतवारहा पुरुष को कहेंगे तो चतवारहा स्त्री को कहेंगे तो चतसरा जैसे मैं बताता हूं चतवार पुरुष सन्ती चार पुरुष है चतवार पुरुष संति यहाँ नौ की जगह पर नौ लिख दीजिए भैया राम लक्ष्मण समझ गए ना राम रक्षा स्त्रोत्र में आप पढ़ेंगे तो उसमें बताए भ्रातरो राम लक्ष्मण समझ गए ना भ्रातरो राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण अर्थात राम और लक्ष्मण समझ गए चतवार पुरुष चार पुरुष है चतवार पुरुष संति चतवार बालका संति बराबर अब इसको हम स्त्री में कहेंगे तो क्या कहेंगे चतरा बालिका संति चतस्र बालिका संति चतस स्त्रीलिंग में चतस्र स्र आएगा देखिए स्त्री की बात कर रहे हैं स्र स्र तीस्र चत समझ गए आप ये तीनों दोनों में आप याद रखिए पंच की मैं बात बताऊंगा तो ये आप याद रखिए तीस्र चतस तीस्र बालिका सन्ती चतस्र बालिका सन्ती बालक का कहना है तो त्रया चाहका संति समझ गए आप और नपुंसकलिंग में कहेंगे तो त्रीणी चत्वारी पुस्तकानी संति जन्म शब्द नपुंसकलिंग है जन्म तो भगवान कृष्ण ने क्या बताया अर्जुन को बहुनी में व्यतीता जन्मा तव चार्जुन समझ गया बहुनी में व्यतीता बहुनी में व्यतीता देखिए तानी तानी आया व्यतीतानी जन्मा संस्कृत में विशेष्य और विशेषण एक ही तरह चलते हैं व्यतीतानी जन्मा जन्म पूछ सक लेंगे मैं जब साला में पढ़ता था स्कूल में तब मुझे ऐसा पढ़ाया गया कि ये श्लोक रोज गीता का क्लास चल रहा था गांव का शिक्षक था आज भी मैं याद करता हूँ उनके पास उतना ज्ञान नहीं था लेकिन भाव बहुत अच्छा था तो उन्होंने ऐसा पढ़ाया कि कृष्ण अर्जुन को ये रहे कि मेरे तो बहुत जन्म हो गए लेकिन आपके चार जन्म तो किस तरह से तो बता रहे की बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार वहां पर च और अर्जुन है चार नहीं है चार होता नहीं यदि वो बताते तो चतवारी बताते चतवारी जन्मानी तो उसको पता नहीं था तो मैंने भी रट किया अर्जुन के चार हुए थे कृष्ण के अनंत थे तो बाद में जाकर पता चला कि अच्छा ऐसा नहीं होता है तो चा ना? तो च समझ गए ना ये संस्कृत में आप देख देख कर उसका अर्थ करें लौकिक भाषा की तरह उसका जैसा सुना ऐसा न करे ठीक है तो ये बहुत ही अच्छा विनोद हो जाता है कि कभी कभी ऐसे लोग संस्कृत के अर्थ करते हैं समझ गए ना तो अः ये एक बात थी कि तो इसमें एक संप्रदाय वाले हमारे यहाँ वो आए थे प्रचार करने के लिए तो हमने उसको अर्जुन काढ़े का या चाय का बताया हमने कहा कि आप चाय पी लो तो बोले चाय हम नहीं लेते तो हमने कहा कि क्यों नहीं लेते चाय ले लो उसमें क्या तकलीफ है दूध ले लो बाहर से आए वो आप बोले कि नहीं हमारा कुछ व्रत है और ऐसा मना भी किया है शास्त्र में तो मैंने कहा कि कहा ऐसा है कि बना किया है तो वो बोले कि विवादे विषादे प्रमादे प्रवाशे जले चा न ऐसा बताए तो वो बोले कि जल ले चा न ऐसा तो वो जल ले तो जले चा न तो उसमें बताया ही बोले तो वो सब विनोद हो जाता है जले अर्थात जल में सप्तमी विभक्ति है चले अर्थात इसमें सबसे में रक्षण करे मेरा ऐसा अर्थ वहां पर बताया गया है उससे चाय की कहीं पर भी बात कही है तो ऐसा कभी विनोद होता है तो आप विभक्ति को पहचानिए जले लये तो जल में राम में, रा में।, रा में समझ गए आप अच्छे वाक्य बनाइए आप अभी ज्यादा से ज्यादा देखिए राम लक्ष्मणों साथ में लिख दीजिए अहम एकाभिनय उसका कोई अर्थ नहीं हुआ अहम एकाभिनय क्या अर्थ अहम खेलती स्म अहम खेलामी स्म लेकिन खेल शब्द उसमें है आ, मतलब किसमें उर्दू में है इसके लिए हम क्रीडामी स्म ऐसा लिखेंगे खेलामी नहीं लिखेंगे अहम क्रीडामी मैं खे, मैं खेल रहा था नमस्ते गुरु जी देखिए संस्कृत में ज्ञान रखिए गुरु जी शब्द संस्कृत में नहीं इसके लिए नमस्ते तो बराबर है लेकिन गुर वह कहते संस्कृत में जब आपको बहु बहुवचन बहु में गुरु को कहना है तो गुर बराबर है समझ गए आप गुरु जी हिंदी में है गुरु जी कह सकते हैं लेकिन उसका गुरु जी मतलब हिंदी का एक उपनाम हो गया जैसे मेहुल को मेहुल बताते संस्कृत शब्द नहीं है उस... आ, नमस्ते गुर ठीक है ये शब्द बहुत अच्छा है गुरवे नम ये अच्छा है गुरवे चतुर्थी विभक्ति देखिए कोई कोई लोग गुरुर् ब्रह्म गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मय श्री गुरुदेव नम ऐसा बोलते हैं बहुत सारे महात्मा होते हैं वो एक जगह हम गए तो बोलते हैं, गुरुदेव नमः तो गुरुदेव नमः नहीं होगा नम योगे चतुर्थी है नम योगे चतुर्थी तो गुरवे नमः हाँ राम लक्ष्मणो यज्ञम रक्षत स्म बहुत ही अच्छा वाक्य है राम लक्ष्मणो यज्ञम रक्षत स्म समझ गए आप बहुत अच्छा है इस तरह से आप स्म का उपयोग करिए कि, कि भूतकालीन जितनी भी घटनाएं है खास करके क्रियापद और एक याद रखिए स्म क्रिया पद के बाद ही आएगा बराबर जैसे आप रहेंगे कि राम लक्ष्मण थे तो ऐसा नहीं बताएंगे राम लक्ष्मण स्म उसमें आप बताएंगे राम लक्ष्मणों आस्ताम आसीत का प्रयोग करेंगे एक व्यक्ति के लिए आस्ताम दो व्यक्ति के लिए आसन तीन व्यक्ति के लिए थे के अर्थ में यहां पर स्म आप जब भी लगाए क्रिया पद के बाद ही लगेगा समझ गए ना आप क्रिया पद के बाद ही लगेगा स्म का एक ही उपयोग है क्रिया पद के बाद लगेगा भूतकाल की क्रिया को बताएगा वो क्रियापद के बाद लगा वो क्रिया को भूतकाल जैसे मैंने ऐसा बताया राम राम लक्ष्मणो पठत तो इसका ये अर्थ होगा कि राम लक्ष्मण पढ़ रहे हैं पढ़ते हैं और मैंने ऐसा बताया राम लक्ष्मणो पठत स्म तो वो पढ़ रहे थे अहम गच्छामी अहम ग्रामम गच्छामि तो ऐसा अर्थ होता मैं गांव जाता हूं और मैंने ऐसा बताया हम ग्रामम गच्छामि स्म तो मैं गांव को जाता था समझ गए वदती सह वदती, वदती स्म सा सम्यक वदती स्म वो अच्छा बोल रहा था सा सम्यक वदती स्म सा सम्यक पठती स्म वो अच्छा पढ़ रहा था इसका मतलब अभी की बात नहीं है वो पहले की बात कर रहे हैं समझ गए ना तो इसको ज्यादा से ज्यादा स्म का प्रयोग करें ज्यादा से ज्यादा भूतकालीन वाक्य का प्रयोग करें जैसे मैंने पढ़ा अहम पठितवान मैं गया अहम् गत्वान् बराबर अहम् श्रुतवान मैंने सुना अहम् श्रुतवान इस तरह के वाक्य का प्रयोग करें ज्यादा से ज्यादा अहम् क्रीडितवान अहम् पठितवान अहम् लिखितवान तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुद्धकौशिकः तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुद्धकौशिकः लिखितवान पठितवान श्रुतवान तो तो इस तरह से स्थिस्म क्या आता है स्थित अस्मि स्थिति गई अर्जुन ने क्या बताया है कि नष्टो मोह स्मृति प्रसाद मैयाच्युत गत गेह करिष्ये वचन तव समझ गए स्थित अस्मि पठित स्थिति धन्योस्मी जैसे हमने बताया इस तरह से आप प्रयोग बना सकते हैं आज बहुत सारे ऐसे प्रयोग हो गए अभी कोई कोई वाक्य आप बनाकर भेजे तो मैं उसके ऊपर आपको बताता जाऊंगा ताकि आपको अभ्यास होता रहे बाद में आप मुझे मेल भी कर सकते हैं तो वयम ज्ञानार्थम संस्कृतम बहुत अच्छा वाक्य है वयम ज्ञानार्थम देखिए ये अच्छा वाक्य बताए मुझे याद आ गया आप किसी के अर्थ में कह रहे हैं तो वो अर्थ लगा देना जैसे ज्ञानार्थम समझ गए चतुर्थी भी लगती है अर्थम भी लगता है दोनों सही होता है जैसे मैं ज्ञान ऐसा भी सही होता वयम ज्ञानाय संस्कृतम पठा हम ज्ञान के लिए संस्कृत पढ़ रहे पढ़ते हैं ज्ञानाय उसको दूसरी दूसरे वाक्य में सरल भाषा में अर्थम लगा दिया ज्ञानार्थम संस्कृतम पठा वयम वयम प्रवेशार्थम तत्र गच्छा वयम प्रवेशार्थम गुरुकुलम गच्छा हम प्रवेश के लिए गुरुकुल को जाते हैं वयम धर्मार्थम इदम कार्यम वयम धर्मार्थम कार्य कूम हम धर्म के लिए ये कार्य कर रहे हैं हम मनुष्य के लिए ये संस्कृति का कार्य कर रहे वयम मनुष्यार्थम संस्कृत कार्य कूम संस्कृते कार्य कूम समझ गया भगवत अहम भगवत पठत स्म नहीं ये गलत वाक्य है अहम गीताम पठा स्म बराबर है स्म वयम अहम गीताम क्या पढ़ रहे हो गीता पढ़ रहे हो तो गीता मेगा अहम मैं भगवत गीता को पढ़ता हूँ और उसको भूतकाल में कहेंगे अहम भगवत गीताम पठामी स्म समझ गया वयम वाव पठाव नहीं पठा वो स्पेस नहीं होनी चाहिए एक साथ गीताम पठा वयम पुस्तक पठा मह ग्रंथम पठा और बाद में स्म लगा देंगे तो भूतकालीन हो जाएगा ओ वाक्य समझ गए अहम पुस्तकम पठामी स्मा। ये समझ गए नहीं लिखना है ऊपर ऊपर बिंदी करनी है पुस्तकम पठामी स्मा। पुस्तकम बिंदी आगे व्यंजन आ रहा है ऊपर बिंदी लिखिए आगे स्वर आ रहा है आधा मिखिये वो एक ही तरह का अभ्यास है और ओ में लिख कर भी अगली बार आपको भेज दूंगा तो ये एक ज्ञानार्थम जैसे हम कहते हैं कि ए, उसके ऊपर है ना विद्या विवादाय विद्या विवाद के लिए विवादाय चतुर्थी आप विवादार्थम भी कर सकते विद्या विवादाय धनम मदा धन मद के लिए होता है मदाय मद के लिए अहंकार के लिए मद अर्थात मदा मद मतलब अहंकार विद्या विवादाय धनम मदा शक्ति परेशान परपीड़नाय शक्ति होती है वो परेशान दूसरों को परेशान दूसरों को परपीड़नाय पीड़न करने के लिए होती है परपीडनाय परपीडनार्थम परपीडनाय खलो न साधो विपरीत में दानाय च रक्षण यह सब इसके लिए होता है खल के लिए होता है विपरीत साधु के लिए सज्जनों के लिए क्या होता है तो विद्या विवाद के लिए होती नहीं है विद्या दान ज्ञान के लिए होती है विद्या विवादाय धनम मदा शक्ति परेशान परपीडनाय खलोहो खलो का षी है खलोहो या इस सब खल का है न साधो हो साधु का नहीं है साधु का क्या है साधो हो विपरीत में विपरीत होता है ज्ञानय विद्या ज्ञानाय धनम दाना मद के लिए नहीं दान के लिए होता है और ज्ञा दाना शक्ति किस लिए होती है रक्षणा इस तरह से आप भर्तृहरि का बहुत सुंदर सुभाषित है ये विद्या विवाद आय तो आ, जो जहां पर ऐसा लगे तो उसका अर्थ ये होता है उसके लिए ज्ञान आय ज्ञान के लिए समझ गया विवाद आय विवाद के लिए दान आय दान के लिए अहम दान आय दान के लिए एकत्रित कर रहा हूं अहम दान आय अहम दान आय अर्जनम करोमी दान के लिए कमा रहा हूँ मैं विद्या ज्ञान के लिए ले रहा हूँ अहम विद्याम ज्ञानाय पठा अहम संस्कृत ज्ञानाय पठामी समझ गए अहम शक्ति मैं शक्ति को किसमें यूज करूंगा किसमें उपयोग करूंगा तो उसमें रक्षणाय उपयोगम करोमी रक्षण के लिए उपयोग करूंगा समझ गए तो इससे अर्थम अर्थम आएगा या चतुर्थी आएगी तो आपको समझ लेना है कि ये इसके लिए ऐसा अर्थ होता है रामाय तो होता है राम के लिए विवाद आय विवाद के लिए बराबर मनुष्य मनुश्या के लिए समझ गए अहम हाँ। कर्णावती नगरम यह गच्छामी स्म हाँ। समझ गया कर्णावती नगरम साथ में लिखना है कर्णावती नगरम यह, 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 यह गच्छामी स्म तो कल जा रहा था समझिए इस सेंस में यदि कह रहे हैं तो ये वाक्य सही है क्या हो मतलब कल और गच्छामी स्म जा रहा था मैं कर्णावती नगर को कल जा रहा था तो इस तरह से आप बहुत वाक्य बनाइए तो एक तो मैंने बता दिया वर्तमान काल के वाक्य उसमें गच्छामी पठामी वदामी श्रोणी गठती वदती ये सभी आएगा भूतकाल में गतवान पठितवान उक्तवान श्रुतवान अहम प्रवचनम श्रुतवान मैंने प्रवचन सुना अहम योग करती स्म नहीं अहम योगम करोमी स्म मैं योग कर रहा था देखिए करोमी कर्ता देखिए क्रियापद देखिए कर्म देखिए अरे एक वाक्य को एक 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 जगह पर देखिए अहम योगम करोमी स्म अहम संस्कृत साहित्यम पठामि साहित्यम लिखिए भैया संस्कृत साहित्यम साथ में लिखिए बिना विभक्ति वाला पद नहीं चलेगा संस्कृत बिना विभक्ति वाला पद आ गया फिर से अहम संस्कृत साहित्यम पठा स्म मैं संस्कृत साहित्य पढ़ रही थी समझ गए आप हम संस्कृत साहित्यम पठामी स्म मैं पढ़ती थी पढ़ता था दोनों चलेगा आगे और वाक्य बनाते जाइए आप अपनी रीत से तो मुझे पता चलेगा कि आप कितना ग्रहण कर पाते हैं कर्ता को कर्म को क्रियापद को थोड़ा अभ्यास आवश्यक है वो अभ्यास करेंगे तो आपकी कम से कम गलती होगी या तो फिर नहीं होगी समझ गए आप तो पहले लिखना है कर्ता उसके बाद कर्म एक बात ध्यान रखनी है आपको विभक्ति वाला ही पद लिखना है दोनों को साथ लिख सकते हैं संस्कृत साहित्य में आया तो दोनों को साथ में लिख दे संस्कृत और साहित्य को अलग करेंगे तो संस्कृत के पीछे कौन सी विभक्ति है संस्कृत शब्द की वो देखना पड़ेगा कोई भी विभक्ति नहीं है तो संस्कृत साहित्यम संस्कृत साहित्यम समास हो जाएगा क्या होता है समास क्या होती है संधि वो मैं आगे बताने ही वाला हूँ अहम पंचवटीम गच्छामी समझ गया आप पंचवटीम बोली नदीम की तरह पंचवटीम स्त्रीलिंग शब्द है तो ऊपर बिंदी आएगी क्योंकि आप वहां पर जा रहे हैं तो कर्म हो जाएगा तो अहम पंचवटीम अहम् राजकोट नगरम गी अहम कर्णावती नगरम गच्छामी और याद नहीं है पंचवटी की कौन सी विभक्ति तो लिख दीजिए पंचवटी केवल और या तो नगर का नाम लिख हम नासिक नगरम गच्छामी पंचवटी नासिक नगर में है या पंचवटीम गच्छामी इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कभी आपको याद ना आए कि इसकी विभक्ति क्या हो गई तो नगरम लिख दीजिए जहां नगर है गांव है तो ग्रामम समझ गया वो आसान है अहम पंचवटी यदि नगर है तो नगरम गच्छामी पंचवटी एरिया का नाम है तो नगर है नासिक तो अहम नासिक नगरम गच्छामी इस तरह से भी आप कह सकते हैं अहम पंचवटीम गच्छामी ऐसा भी तो ज्यादा से ज्यादा वाक्य इस तरह से बनाइए पहले कर्ता लिखिए बाद में कर्म लिखिए और बाद में क्रिया लिखिए क्रिया में भी वर्तमान कालीन तो गी गच्छती ध्यान रखिये कर्ता के अनुसार अनुसार होनी चाहिए यदि स सा है तो ती तह अंति आएगा एक वचन द्विवचन बहुवचन में यदि अहम आवाम वयम है तो अहम में मी आएगा अहम में मी आएगा मैंने पहले बताया अहम पठामी अहम बदामी अहम श्रुणोमी अहम गच्छामी ये मी 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 आएगा और बहुवचन में स्म आएगा गच्छा महा, पठा मदा समझ गए ना अहम पाठम श्रुणोमी स्म हाँ आप पाठ सुनते थे शुणोमी स्म आपने भूतकालीन बताया अह, मथुरा नगरम गच्छा मथुरा मथुरा ठीक है मधुरा नहीं मथुरा नगरम इसमें फिर फी, फिर भी मथुरा अपने और नगरम अलग अलग लिखा एक साथ लिखे अहम मथुरा नगरम गच्छा मैं मथुरा नगर को जा रहा था समझ गया तो वो दोनों साथ में लिखे कर्णावती नगरम राजकोट नगरम मथुरा नगरम ये सभी आप साथ को लिखना है तो समास हो जाएगा तो वो वाक्य सही होगा दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो पहले के पीछे कौन सी विभक्ति है देखिए उसके ऊपर बिंदी भी नहीं है विसर्ग भी नहीं है तो संस्कृत मथुरा मथुरा के ऊपर क्या शब्द है कौन सी विभक्ति पता नहीं चलता है तो इसलिए मथुरा नगरम गच्छामी स्म या केवल मथुरा कहना है तो मथुरा नगरीम गच्छामी नगरम गच्छामी के, केवल कहना है तो मथुराम गच्छामी इस तरह से भी आप कह सकते हैं तो लेकिन विभक्ति लगानी आवश्यक है आ, 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 ये हम पूरा का पूरा एक एक वाक्य को आप कंपोज करके संस्कृत में और हिंदी में आप हमको भेजिए हम उसका करेक्शन करके आपको फिर से एक सीट में भेजेंगे यहाँ से हर रविवार को ऐसा सामने निर्णय किया है आपके ईमेल आते जाएंगे तो संस्कृत में यदि आप पुणे नगरम पुण्यपत्तनम पुणे नगर का नाम है पुण्यपत्तनम अहम पुण्यपत्तनम गच्छामि स्म अहम पुण्यपत्तनम गच्छामि पुण्यपत्तनम समझ गए पुण्यपत्तनम शब्द है तो आप उसको पुण्यपत्तनम कह सकते पुणे पुणे जिसको हम हिंदी में मराठी में पुणे कहते हैं ना उसको संस्कृत में पुण्य सुदामा कृष्ण से मिलने जा रहे थे सुदामा कृष्ण को बराबर है तो कृष्णम मिलने जा रहे थे तो मिलने के लिए जा रहे थे के लिए तो मेलनाय गी स्म समझ गए आप बिल्कुल मिलने के लिए मेलनाय समझ गए आप एकदम आसान है वो के लिए में चतुर्थी आएगी मेलनार्थम भी कह सकते ये आ, याद रखना अहम अयोध्या नगरम गच्छामी गच्छामी में ही एक आप च आधा कर दीजिए पूरा नहीं है गच्छा ऐसा नहीं गच्छा जैसे हम कहते हैं धर्म शरण गच्छा गए आप तो ये अच्छी तरह से उसको समझ लीजिए तो ये एक मैंने बात बताई आपको बहुत आसान है संस्कृत तो अहम चरक संहिताम पठामी बहुत अच्छा है संहिताम लिखे भैया ताकि ऊपर बिंदी आनी चाहिए और अहम में म नहीं ऊपर बिंदी क्योंकि आगे च है अहम म नहीं ऊपर बिंदी अहम चरक संहिताम के ऊपर बिंदी अहम् चरक संहिता पठामी समझ गए अहम् चरक संहिता पठामी अहम् पुण्य पत्तनम नगरम गच्छामी ठीक है गच्छामी स्म दोनों को अलग अलग लिखिए गच्छामी स्म अहम् पुण्य पत्तनम नगरम गच्छामी स्म मैं पुणे नगर को जा रहा था गच्छामी स्म स्म अलग लिख दीजिए तो हो गया और आप ज्यादा से ज्यादा वाक्य प्रयोग इस तरह से बने अहम लिंगाष्टक शृणोमी अहम लिंगाष्टक शुणोम शृणोम शुणो नहीं है भैया श्रुणोमी ठीक से लिखे बाकी आपका वाक्य सही है अहम लिंगाष्टक शुणोमी मेलनाय कृष्ण स्म मम पुत्र च्यव प्रभाते दूरदर्शन पश्यति स्म हाँ साम्य मम पुत्र च्यवन प्रभाते सब सुबह दूरदर्शन पश्यति स्म दूरदर्शन को देख रहा था वो पहले की बात बता रहे हैं आप बहुत सही वाक्य है ये अहम गीतम श्रृणोमी गीतम को आप गी को दीर्घ कर दीजिए गीतम होता है तो हम गीतम श्रृणोमी स्म मैं गीत को सुन रहा था आप और वाक्य बनाकर मुझे कुछ दीजिए तो ज्यादा से ज्यादा हम वाक्य बना पाए तो आप बाद में उसका मेल कर दे मैं चेक करके उसको फिर वापस आपको बहव साधवंती स्म ये बहुत अच्छा वाक्य है आपने बहव का प्रयोग किया बहव स्म बहुत साधु लोग कह रहे थे अब बहव पुरुष में बहुवचन में बहु एक शब्द है समझ गए तो उसका पुरुष में अलग चलेगा स्त्रीलिंग में अलग चलेगा और नपुंसकलिंग में अलग चलेगा तीनों का उदाहरण मैं आपको दे देता हूं क्योंकि बहुत शब्द बहुत बार प्रयोग में आता है समझ गए बहुत शब्द बहुत बार प्रयोग में आता है तो बहुनी में व्यतीतानी जन्मा बहुनी जन्मा बहुनी पुस्तक समझ गया ये नपुंसकलिंग में होता है बहुनी बहव साधव बहव सज्जना बहव बह बालका ये पुरुष में होता है बहव स्त्रीलिंग में क्या होगा बह्य बह्य बालिका बहुत बालिका बहव्य उसका मैं आपको लिख कर भेज दूंगा बहव्य का बाकी ये दो बहुत आसान है अहम चाणक्य नीतिम नीतिम पढ़े मैं नीतिम निधिम नहीं है नीतिम पठामी अहम चाणक्य नीतिम पठामी अहम गीताम श्रृणोमी यह सही वाक्य है आपका अहम गीताम श्रृणोमी अहम भागवतम श्रृणोमी अहम वेदम श्रृणोमी अहम गीतम श्रृणोमी समझ गया इस तरह से आप बना सकते हैं बहुत सारे वाक्य नरेंद्र मोदी शक्तिम शक्ति जीवत नहीं ये आपने गलत बताया होता है, वो परोक्ष भूत में प्रयोग होता है कभी हमारे सामने नहीं होते तो और बोले होते तो प्रयोग होता है तो ये आप कठिन वाक्य मत बनाइए पहले आसान आसान वाक्य बनाइए तो आपका सरल वाक्य रहेगा इसमें क्रियापद ही कोई नहीं था तो इसलिए आप क्रियापद वाले सरल सरल वाक्य बनाइए और आपके ही बनाइए किसी और के नहीं नहीं बनाइए तो तकलीफ होगी फिर तो इसके लिए आ, हम आसान आसान मैं जाता हूँ आता हूँ बोलता हूँ खाता हूँ पीता हूँ ये सब वाक्य बनाए ताकि आप घर पर उसका उपयोग कर सके समझ गए तो इस तरह के पहले वाक्य बनाए बाद में हम आसान हम बिल्कुल भी, थोड़े थोड़े कठिन वाक्य बनाते जाएंगे ठीक है तो अहम मुंबई नगरे वसामी ये ठीक है आपका वाक्य केवल वसामी में मी मुंबई नगरे बराबर तो मुंबई नगरे वसामी अहम मुंबई नगरे वसामी ठीक है नगरे वसामी या आपके सप्तमी का प्रयोग किया ग्रामे वसामी नगरे वसामी गृहे वसामी ठीक है तो वसामी में वस जहां पर आप रहते हो उसको सप्तमी है क्योंकि मैं घर पे रह रहा हूँ गृहे नगरे ग्रामे समझ गया तो बहुत अच्छा वाक्य वसामी में नवदिल्याम मिला महा आ, नवदेल्याम मिलाम नव दिल्ली नई दिल्ली में मिलते हैं नवदेल्याम मिला आ, न, नई दिल्ली में मिलते हैं मिला महा मिलते है ठीक है ये वाक्य भी सही है आपका इस तरह से ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाए ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरह से उसका सेंस समझ में आ जाए कि ये श्लोक अहम फलम खादामी खादामी लिखे भैया खादामी खादामी नहीं खादामी वयं पठाम, हाँ, ये सही वाक्य है आपका व्यम धर्मशास्त्र अहम फलम खादामी ये ठीक वाक्य है सही वाक्य है आपका तो ये अहम फलम खादामी अहम भोजनम करोमी अहम पुष्पम पुष्पन पुष्प जिघ्रा पुष्प को सुघरा हूँ बल बलराम जयन, तो नहीं इस तरह से नहीं कहते छोटी बड़ी कब लगानी है गुरुजी ठीक है छोटी इ कब लगानी है बड़ी कब लगानी है और शब्द के ऊपर दीर्घिकारान शब्द है रसोई कारण शब्द है वो आपको देखना होता है अहम जलम पीबती नहीं होगा भैया पीबामी अहम आया तो पीबामी सह जलम पीबती ऐसा आप बता सकते हैं सा जलम पीबती ऐसा भी बता सकते हैं लेकिन अहम आया तो अहम पीबामी समझ गए अहम जलम पीबामी ठीक है तो इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा वाक्य अभी बनाइए अः पीबामी बराबर है आपका वाक्य तो अहम जलम पीबामी हाँ अहम चिंत्र पशा अहम वार्ता शुणोमी अहम कथा शुणोमी अहम प्रवचन कौमी अहम संस्कृत पाठयामी अहम संस्कृत पठा अहम अहम कार्य कौमी इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य बनाइए एक-एक धातु को लेकर आपको शेयर है वो को देखकर एक एक धातु को, को देखकर देख साधारणता से तो 2000 धातु है ऐसे तो लेकिन उसमें से केवल 25 धातु का प्रयोग आपको रोज के जीवन में करना होता है तो ये 25 हम आपको भेज भेजा है आपको धातु रूपावली में अहम बिका बिका नेर नगरे गच्छामी नगरम गच्छामी आएगा वसामी तो बीकानेर नगरे वसामी लेकिन गच्छामी तो बीकानेर नगरम गच्छामी समझ गए जब जाने की बात आती है तो गम योग में द्वितीया हो जाती है गम योग द्वितीया ये नियम है इसीलिए वहां पर बीकानेर नगरम अहम रक्षाबंधन त्योहारम करोमी तो ये ठीक है रक्षाबंधन त्योहार को आप करते नहीं है ये संस्कृत में ऐसा में वाक्य नहीं होता है संस्कृत में इस तरह से बोला जाता है कि अहम रक्षाबंधन त्यौहार उत्सवम करो मी। तो उत्सव आप बोल दीजिए कि उत्सव करो मी मतलब उत्सव को करता हूँ रक्षाबंधन करो मी त्योहार को संस्कृत में कम उपयोग होता है ये सेंस में नहीं नमस्ते प्रभो पुष्पम स्वी तू वाह फूल को स्वीकार करो इस तरह से ये वाक्य का अर्थ है ये करो, करो पठतु भवतु वदतु गच्छतु ये सभी हम लोट लकार में सीखने वाले हैं आज्ञा के अर्थ में तो इसके प्रयोग तो हम बाद में सीखने ही वाले बहुत आसान प्रयोग है वो बह्य बह्य ठीक से लिखिए बालिका हा में बालिका हा विसर्गलिख्य क्रीडंती स्म समझ गए ना क्रीडंती करोशि वेदाभ्यास करोशी वेदाभ्यास नहीं वेदाभ्यास वेदा करोशी समझ गए तुम करते हो ऐसा बताते हो आप जब तब ये वाक्य इस तरह से बनता है वेदा करोशी, समझ गया तो अहम फलम खादामी ये ठीक वाक्य है अहम फलम खादामी अहम संस्कृत प्रबंधनम करोमी क्या बताया आप पुता नहीं लगा आप फिर से लिख दीजिए तो आसान रहेगा तो इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा वाक्य का अभ्यास कीजिए वाक्य बनाइए तो आसान रहेगा आज मैंने क्या क्या बताया वो मैं फिर से बता देता हूँ पहले तो श्रुतवान पठितवान गतवान ये सभी के रूप गतवती पठितवती श्रुतवती ये ये भी स्त्रीलिंग में होता है पठितवान गतवान ये कुलिंग में होता है बराबर हाँ और दूसरा मैंने स्म का बताया जो क्रिया पद के बाद आता है वो धूर्कालीन क्रिया को बताता है तो जिस क्रिया के बाद आए उस क्रिया को भूत कालीन बताता है समझ गए सही वाक्य है तो इतना मैंने बताया का प्रयोग आगे हम बहुत सारे अवयवों का प्रयोग और काल का प्रयोग देख लेंगे अभी हमने लगभग लगभग तीन काल देख लिए हैं संस्कृत में और कर्म क्रियापद और उसके बंधारण को भी हमने समझ लिया है तो अहम आयुर्वेदम पठान आप क्या पढ़ रहे हो आयुर्वेद को तो आयुर्वेद कर्म हो गया आप ये कह रहे हो तो कि मैं आयुर्वेद हूँ मैं समय हूँ ऐसा कहता है ना ओ, <laughs> तो वो महाभारत माणी की मैं समय हूँ तो कहेगा अहम समय अस्मि बराबर मैं आयुर्वेद हूँ तो हम कहेंगे अहम आयुर्वेद अस्मि लेकिन आप जब कह रहे हो कि मैं आयुर्वेद को पढ़ रहा हूँ तब आप बताएंगे तब आयुर्वेद कर्म हो जाएगा आप क्या कर रहे हो पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हो आयुर्वेद को पढ़ रहे हो तो आप बताएंगे अहम आयुर्वेदम पठामी अहम गीतां पठामी, अहम संस्कृतम पठामी, लेकिन जब आप कुछ हो ऐसा बताते हो तो प्रथमा विभक्ति बोलोगे अहम आयुर्वेद अस्मि, अहम समय अस्मि। अब नाटक में ऐसा होता है आप तो वस्तु समय नहीं हो आप आयुर्वेद नहीं हो लेकिन आप जब ऐसा बताते हो तो अहम के अहम शिक्षक अस्मी अहम अध्यापक अस्मी अहम ये जब आप बताते हो तब आएगा प्रथमा विभक्ति अहम वेद्य अस्मि समझ गए तो ये अहम शिष्य अस्मि ये बराबर है अहम गुरु अस्मि समझ गया तो इस तरह से आप बनाते जाओगे अहम अध्यापक अस्मि अहम मनुष्य तो इस तरह से आप बनाते बालकः अस्ति ये एक बालक है एशा तो एशा का कंसेप्ट हम अगली बार ले रहे हैं कि ये कब कहेंगे एक कब कहेंगे ऐसा बालिका बालिका है तो ऐशा मतलब यह बालिका है आपके नजदीक खड़ी है और आप उसका परिचय दे रहे तो आप ये कह रहे हैं तो ऐसा बालिका ऐसा बालक समझ गए ना और दूर है तो वो एशा, सह बालक ओ बालक सा बालिका सा सह एष स और ऐश ऐस मतलब यह सह मतलब वो दूर है तो सह नजदीक है तो समझ गए तो इस तरह से ऐश ऐसा नपुंसक लिंग में कहेंगे एतत पुस्तकम एतत कर्म हम कहते हैं ना एतत कर्म, एस पंथ ए तत्कर्म एम मतलब यह कर्म क्योंकि नपुंसक से आप ज्यादा से ज्यादा वाक्य का प्रयोग कीजिए वाक्य को बनाइए सह बालक ऐसा बालिका एतत तत्त पुस्तक्रंथ ए एतत एतत् तत् है एतत् तत्कम एतत् तत्व एतत् तत्वर एतत् तत्कम समझ गए नपुंशक्लिंग शब्द होगा एतत् ये ये पुस्तक ए एतत् ए एतत् द्वार समझ गए तो इस तरह से आप वाक्य बनाते जाए हाँ छोटी ई बड़ी ई कब लगानी है धूतराष्ट्र दुर्योधन पिता देखिए दुर्योधन पिता या तो समाज करके साथ में लिख दीजिए या तो दुर्योधन लगाइए दुर्योधन के पिता समझ गए आप आ, आवाम विद्यालय गमिष्यावह समझ गए उसमें थोड़ा आपको शव लगाना है बाकी ठीक है अहम विद्यालय गमिष्यामी आवाम विद्यालय गमिष्यावह समझ गए तो इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाते रहिए तो इस तरह से आपका अभ्यास होता रहेगा uh, वाक्यों का और ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आने, आने लगेगा कि इस तरह से हम संस्कृत के वाक्य आसानी से बना सकते हैं समझ गए तो इस तरह से ज्यादा से ज्यादा वाक्यों का अभ्यास करिए और अगली बार कल सोमवार को तब तक मैं पीपीटी प्रेजेंटेशन तैयार करके आपको भेज देता हूँ अहम मुंबई नगरे वसामी देखिए फिर से आप यही गलती कर रहे हैं अहम वसामी वसती नहीं। अहम तीसरा बालिका संति अहम तीसरा बालिका नहीं व्यय तीसरा बालिका स्म गए अस्मि स्वह स्म तब आप स्म लगाएंगे विसर्ग वाला स्म नहीं स्म मतलब हे आप एक बात ध्यान रखिए स्मह का उपयोग भूतकालीन क्रिया के लिए होता है लेकिन स्म लगा दिया तो उत्तम पुरुष बहुवचन में होता है उसका प्रयोग। समझ गए तो अहम अस्मि समझ गए अहम अस्मि सह विद्यालय गच्छति विद्यालय को ठीक लिखिए बाकी बराबर है वाक्य सह विद्यालय जी तो लगभग लगभग अभी बहुत सारे वाक्य हो गए हैं और आज का मुझे समझाने का था स्म का प्रयोग तो वो भी मैंने समझा दिया है तो अगले लगभग सोम कल ही सोमवार को हम फिर से वर्ग में आएंगे और संस्कृत का अभ्यास करेंगे आज मैं फिर से पीपीटी आपको कल सुबह भेज दूंगा शायद तो ये आप अभ्यास करिए और कल पीपीटी से हम पुनः वर्ग की शुरुआत करेंगे तब तक मुझे ईमेल करके आप अपना जो 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 वाक्य बनाए हैं पूर्व वर्तमान काल में भूत काल में जो जो आपके मन में आता है वो वाक्य बनाए वो वाक्य को हम देखेंगे ताकि आपकी गलती कहाँ हो रही है वो हमको पता चलेगा ईमेल आईडी दे 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 दिया है फिर से दे दे, राजेश्वर राव जी आप ईमेल आईडी दे दे तो वो उस ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं पूरे के पूरे वाक्य को अच्छी तरह से लिखकर स्कैन करके फिर भेजा ग्रुप में सारे ग्रुप में डाला था ठीक है अभी अभी नंदिनी बहन जी डाले अभी नंदिनी बहन जी डाले बहुत तो देख लीजिए और सारे ग्रुप में आप ग्रुप चेक कीजिए सात ग्रुप बने चलिए सातों ग्रुप में डाल दिया और टेलीग्राम में भी डाल दिया तो।, तो, तो कल मिल रहे आचार्य और ट्यूसडे हम लोग आयुर्वेद सेशन है आयुर्वेद के लिए कल आप बता दीजिए ट्यूसडे को हम मिल रहे रात को ठीक है आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी बस हम लोग शाम को चार बजे फिर मिल रहे वही ठीक है।, है ओके आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य प्रसाद ग